अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के रिश्ते की तरफ जाने से पहले एक जो है ज़रूरी बात हम आपसे करना चाहते हैं कि बहुत से लोग जो हैं हमें कमेंट करते हैं कि आप हमारा रिश्ता क्यों नहीं कराते, जो है ये हमें जो है इससे रिश्ता लाजमी करवाएं ये और वो। या इसके अलावा जो कुछ लोग जो है गालियां वगैरह भी जो है हमें कमेंट में करते हैं, तो बराए मेहरबानी ये हरकतें ना किया करें। महज़ब लोगों की ये जो है आदत नहीं होती जो आप लोग करते हैं। तो हम जो है रिश्ता आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक लड़की जो है उसका रिश्ता जो है वो एक ही लड़के से हो सकता है, हम हर इंसान से तो उसका रिश्ता नहीं कर सकते। तो आप लोग कमेंट्स करते हैं, उनमें से जो जो है लड़की वालों की फैमिली को बेटर लगता है वो उससे रब्ता कर लेते हैं। तो इसलिए बड़ा मेहरबानी, बात करने से पहले या कोई गलत कमेंट लिखने से पहले आप जो है सोच लिया करें कि ये जो रिश्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं ये भी जो है महज़ब लोगों की फैमिलीज के रिश्ते होते हैं। तो आज चलते हैं अब जो है आज के रिश्ते की तरफ। ये जो खातून है हमारी बहन, इनकी उम्र जो है वो इस वक्त 43 ईयर्स है, यानी कि 43 बरस है। मुसलमान है, फिरका सुन्नी है। इसके अलावा जो है देखने में भी खूबसूरत हैं, लेकिन ये एक तलाक़ याफ्ता खातून है। एक बेटी है इनकी, वो बेटी इन्हीं के साथ रहती है। ये एक पढ़ी लिखी खातून है, इनकी तालीम BA है, जॉब वगैरह तो नहीं करती। और इस वक्त ये जो है अपने भाई के घर पे रहती हैं। ये जो है इस वक्त मुल्तान सिटी में जो है अपने भाई के साथ उनके घर पे रहती हैं। इनकी जो कास्ट है ये राना बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा इनकी जो हाइट है 5 फुट 2 इंच है। तो ये जो रिश्ता जो है उन अफराद के लिए है, हमारे भाइयों के लिए, जिनकी उम्र जो है वो जो है 45 साल तक हो, यानी कि 45 साल से ज़्यादा ना हो, इससे कम हो, और वो चाहते हो पहली या दूसरी शादी करना। तो या तो लड़का जो है डाइवोर्स्ड हो, यानी कि तलाक़ याफ्ता हो, या रंडवा हो, या कुंवारा हो, इन 3 सूरतों में जो है जो भी मर्द जो है रब्ता करना चाहता हो इस रिश्ते के लिए रब्ता कर सकता है। लड़का मुसलमान हो, फिरका सुन्नी हो, इसके अलावा ज़ात बरादरी कोई भी हो। बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते और अपना व्हाट्सएप का नंबर भी लिख दिया करें। तो इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दें, और हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें। शुक्रिया।